ब्यूटीफुल आसिम भाई, सही जगह पे लेकर आए हैं आप। आसिम भाई ये होता है ना एडवेंचर, आसिम भाई करें इसको थोड़ा तंग करें ही उड़ जाए। सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का प्लान ये है कि हम यहाँ पर एक एरिया है लोवेरे, वहाँ पर जा रहे हैं। आसिम भाई भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इन्होंने मुझे बताया है कि वो रीजन जो है ड्राइव करने के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इटली, वहाँ पर बहुत खूबसूरत सीनिक व्यूज़ हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं लोवेरे के लिए। आज का तो वेदर भी परफेक्ट है लोवेरे जाने के लिए, सूरज निकला हुआ है। लोवेरे जाने से पहले हमने सोचा कि पेट्रोल डलवा लेते हैं गाड़ी में, कहीं भी दूर जाना हो तो पेट्रोल का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आसिम भाई ये डाल रहे हैं पेट्रोल, पेट्रोल के रेट्स जो हैं वो शूट अप हो गए हैं यहाँ पर वॉर के बाद, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। आसिम भाई जो हैं वो सीनिक व्यूज का वादा करके गांव पे गांव दिखाई जा रहे हैं। आसिम भाई क्या सीन है यार? अली भाई आज हमने ना आपको पहले सारे गांव दिखाने इस एरिया के। नहीं मैंने आपको कहा है कि आप मुझे गांव दिखाएं। नहीं ना, लेकिन हमने तो दिखाने हैं ना आपको। अली भाई ये जो सारे गांव है नहीं के सारे एक सेपरेट छोटा सा जो पार्ट होते हैं इसे कहते हैं फराज। फराज वो जो पाकिस्तानी शायर है ना वो वाला। आसिम भाई ये गाँव की डिटेलें देनी बंद करें और मुझे लेके जाए आप लोवेरे सीधा। बस देख लें वो जो माउंटेन है उधर जाना है। उधर तेरे ज़ूम इन करके देखते हैं। वाह जी वाह, लग तो खूबसूरत रहा है दूर से। कैमरा तो नहीं है इस रूट के ऊपर? ये अली भाई इस रूट में कोई भी कैमरा नहीं। बिल्डिंग चेक करें आप गांव में कैसी बनाई हुई है। आसिम भाई ये जो इनके गांव का चौधरी होगा ना उसने बनाई होगी। आप डले हैं जी सही रूट के ऊपर, वो दूर से माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद लगता है कि सीन चेंज होने वाला है, खूबसूरती देखने की थोड़ी सी उम्मीद जागी है, आगे लग रहा है कि खूबसूरत एरिया शुरू होने वाला है। आसिम भाई रोड देखें कितनी खूबसूरत है, क्या बात है, ये तो स्विट्जरलैंड वाली फील आ रही है, ये तो लुक दे रहा है स्विट्जरलैंड वाली। सोलर लगाए हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जी। आसिम भाई सीन चेंज हो रहा है। ये है जी गोरमेलो विलेज और पीछे इसके जो माउंटेन्स हैं इनको मोंते दी गोरमेलो कहते हैं जी। मोंते मीन्स माउंटेन्स। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है इस गांव की वैसे। ये जी माउंटेनियस रीजन के अंदर ड्राइव शुरू हो गई है। आप ये देखें कि हर फैसिलिटी इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है, इतने बड़े बड़े सुपर स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल है, शोरूम तो हर गांव में नजर आ रहा था मुझे। लंबी लाइन लगी हुई है, इधर वीकेंड है तो मुझे लग रहा है लोग घूमने जा रहे हैं उस साइड पे। ये इस चीज़ की निशानी है कि जगह अच्छी है। खुल के आप बता नहीं रहे, कन्फ्यूजन में रखा हुआ है मुझे। मैं कह रहा हूँ कि जब आप उधर पहुंचेंगे ना फिर आपने देखना। अब हम गुजर रहे हैं जी एक गाँव से जिसका नाम है विलोंग, डेंसली पॉपुलेटेड है और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी कितनी आबादी रह रही है। आसिम भाई जबरदस्त। और अली भाई थोड़ी देर बाद हमारे जो राइट साइड है ना लेक स्टार्ट होनी है और हम लेक के साथ साथ जाएंगे। आसिम भाई इस घर की जरा लोकेशन चेक करें, बल्कि पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग लग रही है। ये है जी गाँव सारनेको, बहुत ही ब्यूटीफुली लोकेटेड है ये, बिल्कुल पहाड़ों के साथ साथ। आसिम भाई गाड़ी चेक करें जरा, पोर्शे है। क्या बात है आसिम भाई, शुरू हो गई है लेक। इसका नाम क्या है? ये लेक सारनेको है। ये लोवेरो रीजन शुरू हो गया है या अभी होना है आगे? नहीं अली भाई एंड पे लोवेरे। अच्छा लोवेरे जो है ना वो लोवेरे। अच्छा लोवेरे एंड पॉइंट है। और ये रीजन कौन सा है? ये बेरगामो के अंदर आता है? रीजन में ही आती है। अच्छा बेरगामो जो प्रोविंस है ये उसी के अंदर ये एरिया। ये देखें जरा लेक के साथ साथ इन्होंने वॉक करने के लिए ट्रैक बनाया हुआ है। आसिम भाई फिजिकल एक्टिविटी को बड़ा प्रमोट करते हैं वैसे, हर जगह पे वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक और रात पूरी रात लाइट्स ऑन रहती है वहाँ पर। लोग देखें अपहिल जॉगिंग कर रहे हैं, बड़ी टफ होती है लेकिन फिट रखते हैं इटालियंस अपने आप को, हमारी तरह नहीं। पाकिस्तान में तो यकीन करें हर बंदे का पेट निकला होता है। जो घरों का और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का स्टाइल है वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बिल्कुल जैसे सिटीज के अंदर है वैसे इन्होंने यहाँ पर भी उसी तरह कही है। साइकिलिंग भी हो रही है यहाँ पर, जरा व्यू चेक करें सही जगह पे लाए। एक तो व्यू जबरदस्त है, ऊपर से ये रोड भी बड़ी जबरदस्त है, लगता है बिल्कुल ही ब्रांड न्यू बनी है, बहुत स्मूथ ड्राइव। ये कोई बहुत पुराना टनल आ गया, ये तो कोई 18th सेंचुरी का टनल लग रहे हैं। आसिम भाई टनल से निकल के तो दुनिया ही बदल गई है, कितनी खूबसूरत जगह है वैसे। ये सारी ड्राइव लोवेरे तक ऐसी है जी। ये लोकेशन चेक करें जरा इन घरों की, बिल्कुल लेक के सामने। ये जी गाड़ी पार्क की है हमने, कहा उतर के थोड़ा सा व्यू ले लें, क्या खूबसूरत जगह है ये। आसिम भाई यार सही जगह पे लाए हैं, पानी भी इसका देखें कितना क्लियर है। आसिम भाई ये पूरी जो ड्राइव है ना आगे वो इसी तरह की लग रही है, सुबह उठ के ये बैल्कनी के अंदर जब कॉफ़ी पीते होंगे हैं इस व्यू के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास ऑप्शन थी वेनिस जाने की या ये लोवेरे रीजन में आने की, तो मैंने डिसाइड ये किया कि हम लोवेरे आएंगे, क्योंकि वेनिस के ऊपर पहले ही काफ़ी वीडियोज़ यूट्यूब के अंदर हैं
तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो वाले एरियाज दिखाऊं कि जो YouTube के ऊपर जिनकी वीडियोस मौजूद नहीं है। आसिम भाई वो देखें, लेक के बिल्कुल दरमियान में कुछ बना हुआ है, वो क्या है? अली भाई वो एक जो है ना घर टाइप है, ये मैं आपको बताऊं कोई कासल होगा छोटा सा, ये घर नहीं हो सकता। इतनी ठंडी हवा बाहर चल रही है, मेरा तो मुंह ठंडा हो गया, मैं तो अंदर आगे बैठ गया हूँ। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है आगे। आसिम भाई को भी ठंड लगी है तो फौरन अंदर आगे, बंदा बॉडी तो कवर कर लेता है, मुंह को कैसे कवर करे। जो नींद आ रही थी वो तो बिल्कुल उड़ गई है, ठंडी हवा मुंह पे पड़ी है तो फ्रेश हो गया हूँ बिल्कुल मैं, यकीन करें मजा। गर्मियों के अंदर सर्दियों का सीन। और ये चेक करें जरा, है घर चेक करें। आसिम भाई ये बहुत महंगी प्रॉपर्टी होगी, सामने कोई फैक्ट्री बनी हुई है, ये बड़े ही किसी शौकीन बंदे की फैक्ट्री है। कैसी उसने लोकेशन चूज की है, पता नहीं क्या सीन है इसका, लेकिन लोकेशन बड़ी जबरदस्त है। और ये फंक्शनल है क्योंकि देखें गाड़ियां भी इधर खड़ी हुई है ना, आज सैटरडे इस वजह से काम नहीं हो रहा। आसिम भाई इटालियन जो रोड्स का सिस्टम है ना बहुत जबरदस्त है, इटालियन हाईवेज भी एक्सेलेंट है। और ये देखें कहाँ पर पहाड़ों में इन्होंने कैसी रोड्स बनाई हुई हैं, थोड़ी सी रोड खराब होती है तो ब्रांड न्यू बना लेते हैं। ब्यूटीफुल आसिम भाई, सही जगह पे लेकर आए हैं आप, गाड़ी चलाने का मजा आ गया यकीन करें। एक और टनल आ गया यहाँ पर, पुराने वक्तों में जी इटली के अंदर ऐसे होते थे टनल्स, टनल पुराना है और ये सांस लेने की लगता है जगह छोड़ी। आसिम भाई देखते हैं इस टनल से निकलने के बाद कैसा व्यू आता है, क्या बात है, जबरदस्त। आसिम भाई ये इटली का ना वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव करने के लिए एरिया है, बिल्कुल अगर लॉन्ग ड्राइव पे किसी ने आना हो, बहुत खूबसूरत जगह है। ये देखें जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइकर्स हैं, क्योंकि ये रूट बड़ा प्यारा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाइकर्स नज़र आ रहे हैं, साइकिलिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। और अचानक आसिम भाई को देखा कि दोबारा से ये खो गए हैं। आसिम भाई क्या चक्कर है यार, ये आप किसी भी खूबसूरत जगह आके किस सोच में गुम हो जाते हैं? एक चीज़ तो यहाँ पर आके समझ आ गई है कि यहाँ पर लोग स्पेशली आते हैं साइकिलिंग करने के लिए और बाइक राइड करने के लिए। ये माउंटेन्स के साथ पूरा ट्रैक है और साथ है लेक, तो बहुत ही खूबसूरत इंजॉय करने वाला ट्रैक है ये, बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। और रोड उतनी ही पतली है, आसिम भाई ने कैमरा पकड़ लिया है क्योंकि रोड बहुत ही पतली है, ड्राइव यहाँ पर ध्यान से करनी पड़ेगी। आसिम भाई माउंटेन का व्यू लेना है, आप किस व्यू ले रहे हैं? ये जी थोड़ी थोड़ी देर के बाद सीन चेंज हो रहा है और एक से बढ़ के एक खूबसूरत जगह आ रही है, देखें कितना खूबसूरत माउंटेन है। आसिम भाई फिर किसी याद में ना खो जाना, कभी मुझे अपनी दुखी दास्तान तो सुनाए क्या आप, जो खो जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद। यार ये देखें जरा ये बंदा कितना इंजॉय कर रहा है। आसिम भाई ये होता है ना एडवेंचर, आप यहाँ पर आके पुरानी यादों में खो जाते हैं, तो इस तरह के काम किया करें। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू स्पेंड सैटरडे इन इटली, सीरियसली इतनी खूबसूरत ये जगह है, यहाँ पर आके इतना अच्छा हो जाता है मूड। ये आप देखें हर थोड़ी देर के बाद जो है वो सीन चेंज हो जाता है और एक से बढ़ के एक खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। इस बाइकर को चेक करें, ये कितनी तेज चला रहे हैं यहाँ पर, ये देखें जी इन्होंने कैसे इसको काट के तो रास्ता बनाया हुआ है। ये जी एक और स्टॉप हमने यहाँ पर मारा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह इन्होंने बनाई हुई है बैठ के व्यू एंजॉय करने की। आसिम भाई ये बड़ा परफेक्ट पिक्चर स्पॉट है, लेकिन अब इसको कैसे कहें कि उठो यहाँ से, अल्लाह करे खुद ही उठ जाए थोड़ी देर में। आसिम भाई करें इसको थोड़ा तंग करें ही उठ जाए, आप करीब गए हैं वो वैसे ही उठ गया है, इसको उर्दू तो नहीं आती, कहीं समझ तो नहीं आ रही, बड़ा डिसेंट आदमी है। एंजॉय योर राइड आसिम भाई, इस वक्त आप यकीन करें कमाल जगह के ऊपर खड़े हुए। धक्का ना दे दूं मैं आपको यहाँ से? आसिम भाई धक्का ना दे देना यहाँ पर, अगर आपने मुझे धक्का दे दिया तो मैं क्या करूँगा। चलें बैठते हैं फिर इधर। ये जी हम लोवेरे पहुँच गए हैं और यहाँ मैंने तो जी कैप पहन ली है क्योंकि बाहर निकल के बहुत ठंड लगती है, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। जी आसिम भाई कैसा टेस्ट है? आई एम नाउ इन अ प्लेस द मोस्ट